कोटा बेलगेना मार्ग में किसानों की अधिग्रहित की गई भूमि जिसका उचित मुआवजा उन्हें आज तक नहीं मिल पाया, तब से किसान परेशान है। प्रभावित हुए किसानों के मुआवजे संबंधी जनसुनवाई गांधी सभा भवन में रखी गई थी। उनके समाधान हेतु जनसुनवाई एसडीएम तहसीलदार पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की उपस्थिति में रखी गई थी, लेकिन एसडीएम उपस्थित नहीं हुए, जिससे किसानों में काफी रोष देखने को मिला। पिछले एक साल से किसान अपना हक पाने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते परेशान हैं। हर बार आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन कोई उचित जवाब अधिकारी नहीं दे रहे हैं। ये भू अर्जन के लिए बुलाया गया है, 11 बजे से बैठे हैं, साल भर तो हो गया, रोड बने, एक तरफ 75 फुट गई है जमीन मेरी, एक तरफ 80 फुट गई है, 10 फुट गहरी, मुआवजा कब देंगे पता नहीं लग रहा है, और मेरी जमीन पूरी डाइवर्टेड है, डाइवर्टर से 4 साल हो गया मेरे डाइवर्टर जमीन को, वो कोई सुनवाई नहीं है ना, कहाँ, कई बार पीडब्ल्यूडी भी होया है, एसडीएम ऑफिस होया है, तहसीलदार के पास होया है, सबको दे दिए कागज, उसके बाद भी कहाँ कोई सुनवाई हो रही, कहाँ के लिए बुलाए हैं एसडीएम द्वारा, कहाँ आए हैं, नहीं आए हैं, तहसीलदार खाली बैठे हैं, और आपके वो बैठे हैं क्या कहते हैं पटवारी और पीडब्ल्यूडी वाले, रोड बने 6 महीना हो गया, चक्का जाम करेंगे बस, नहीं अभी देंगे करके चल रहा है, कभी पटवारी का चलता है, कभी तहसीलदार का चलता है, कभी एसडीएम साहब का चलता है। कोटा बेलगेना मार्ग की निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी ने अपना काम सड़क बनाकर पूरा कर दिया, लेकिन राजस्व विभाग ने मुआवजा संबंधी कार्रवाई समय पर नहीं करने के कारण किसान परेशान हैं, जबकि नियमतः सड़क निर्माण के पहले ही मुआवजा प्रकरण का निपटारा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विशेषज्ञ समिति के समक्ष रख के और फिर से इनकी दावा आपत्ति ली जाएगी कि ये रेट आपका जमीन का ये रेट तय है, ये रेट आपको मिलेगा, इसमें जो भी शासन का नियम है उसके डबल करके देना है या जो भी है, कि आज की डेट में मैं नहीं बता, ये रेवेन्यू के पास रिकॉर्ड होता है, हम तो रोड बना रहे हैं, तो हम रोड जमीन खरीद रहे हैं, हम तो खाली ये जानते हैं कि ये जमीन हमको खरीदना है, जब ये हो रहा है हम तो उनको मुआवजा देने के लिए आए हुए हैं, अब इस प्रक्रिया को जितनी जल्दी वो आगे बढ़ने देंगे उतनी जल्दी उनका भुगतान होगा, 3 महीने के अंदर ये अगला धारा करेंगे, तो अगर वो जल्दी हो जाएगा, इनकी दावा आपत्ति का निराकरण पहले हो जाएगा, तो हम पहले अगला स्टेप कर देंगे, इस तरीके से समय को हम कम कर सकते हैं, अदरवाइज जो है 3 महीना में ये होगा, इसके आगे 3 महीना में दूसरा धारा होगा, तो धारा 19 धारा 24 में इनका पेमेंट होगा। कोटा की गांधी सभा में सुबह से ही पहुंचे किसानों ने बताया कि हम 11 बजे से सुनवाई के लिए यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन सुनवाई के लिए एसडीएम साहब नहीं पहुंचे, जिससे उन्हें सही जवाब नहीं मिल पाया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और तहसीलदार ने दावा आपत्ति और निराकरण के बाद प्रकरण तैयार कर मुआवजा प्रक्रिया पुनः बनाने की बात कही। कोटा बेलगाना मार्ग की चौड़ीकरण में प्रभावित किसानों को आज बुलवाया गया है जनसुनवाई में। नियम संबंधी कुछ तकनीकी त्रुटियां इसमें जैसा बताया गया, मेरे को जितना जानकारी है कि पूर्व में होना था, चूंकि आदिवासी क्षेत्र है हमारा और इसमें आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति लागू नहीं होती है, इस कारण से धारा 4 हेतु आज प्रारंभिक सुनवाई का यहाँ पर आयोजन किया गया। त्रुटि देखिए, मेरे को आए अभी गायब गए 3 महीना हुआ है, इस संबंध में अधिक जानकारी मेरे को नहीं है कि त्रुटि किस स्तर पर हुई है। आज जन सुनवाई में सभी को बुलवाया गया है, उनका जो भी पक्ष है, जो भी दावा आपत्ति है, उसको प्राप्त किया जा रहा है और बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए नियमानुसार सभी के आवेदनों पर विचार किया जाएगा, शासन के नियम निर्देश के अनुसार से ही कार्रवाई होगी, जो भूमि क्रय नीति है उसी के अधीन कार्रवाई होगी, नियम से दिगर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं होगी। कोई भी काश्तकार, कोई भी कृषक जिसका जमीन प्रभावित होता है, उसको उसका जितना मुआवजा बनता है नियमानुसार वो उसको प्रदाय किया जाएगा। इसमें कहीं किसी प्रकार से अप्रिय घटना करने या चक्का जाम करने की स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि सबको पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया है। विधिवत कार्रवाइयाँ होती है, निर्माण एजेंसी में पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो भी प्रस्ताव दिया गया रहा होगा, जिस कार्यवाही के तहत प्रस्ताव दिया रहा होगा, उस कार्यवाही के तहत तत्कालीन अधिकारी के द्वारा भूमि संबंध में जानकारी मंगाया गया होगा, भूमि का जानकारी लेना और प्रभावित नपाई कराना और उसको प्रस्तुत करना, ये काम होता रहे। वहीं उपस्थित कुछ किसानों का ये कहना था कि राजस्व विभाग के हमने बहुत चक्कर लगाए हैं, लेकिन कार्यालय में सही जवाब नहीं मिलता था, यहाँ भी जन सुनवाई की जा रही है,
यहां भी 2 साल और लगने की बात कही जा रही है। किसानों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को धोखे में रखकर सड़क निर्माण किया गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है जहां पहले जनसुनवाई होनी थी, फिर सड़क का निर्माण होना था, लेकिन सड़क बनने के बाद जनसुनवाई की जा रही है, ये समस्या परे है। इस बात को लेकर सभी किसानों में आक्रोश भी देखने को मिला। बहरहाल देखना होगा कि अधिकारी कितनी जल्दी किसानों के मुआवजे प्रकरण का निराकरण करते हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई है, किसानों के हित को ध्यान में रखकर सरकार काम कर रही है, तो किसान अब नई सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की बात कर रहे हैं। For more information, log on to www.clips.in.